गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रॉलर सत्याग्रह क्या था, उस सब जलियांवाला बाग में क्या था, है ना। तो सर सिडनी रॉलर, सिडनी रॉलर उनका नाम था, ये जज थे, है ना, ये जज थे। सिडनी रॉलर की अध्यक्षता में क्रांतिकारी गतिविधियों पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य एक समिति की स्थापना की गई, है ना। 1918 में समिति की रिपोर्ट जारी की गई और मार्च में रॉयल कानून पास किया गया। रॉयल कानून के तहत यह प्रावधान किया गया उस कानून में कि संदेह के आधार पर, अगर मान के चलिए आप पर संदेह है तो आपको संदेह के आधार पर आपको पुलिस द्वारा उठा लिया जाएगा, है ना, आपको पकड़ लिया जाएगा। तो किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी जो की जा रही है संदेह के आधार पर की जा रही है, उसके साथ साथ एक प्रावधान और है, बिना अपील बिना दलील बिना वकील, तीनों बिना वकील बिना अपील बिना दलील, तीनों की व्यवस्था क्या बोलती है, मतलब कि ना तो आप अपील कर सकते हैं, ना आप याचिका दायर कर सकते हैं, ना आप क्या बोलते हैं अपना कोई वकील साथ में रख सकते हैं, है ना। बिना वकील बिना दलील बिना अपील, अपील भी नहीं कर सकते हैं। तो ये जो शोषणकारी कानून था इसके विरुद्ध क्या बोलते लोगों में आक्रोश प्रकट हुआ, है ना। इसमें क्या हुआ, जब रॉयल सत्याग्रह किया गया तो कई सारे तरीके से कि एक तो ये भी बड़े जो नेता थे उन्होंने अपनी पदवियां वापस की, है ना, उसका विरोध भी किया, गांधी जी ने खुद स्वयं विरोध किया इसका। ये जो विरोध था वो इस प्रकार से दर्शाया जा रहा है कि रॉयल कानून का लगभग सभी राष्ट्र नेताओं ने विरोध किया, उसको काला कानून घोषित किया गया। इसी संदर्भ में आपका देखते हैं फरवरी 1919 में गांधी जी ने बॉम्बे में सत्याग्रह की भी स्थापना की, है ना, जब इसके खिलाफ सत्याग्रह किया जाएगा, रॉयल सत्याग्रह जिसका नाम रखा गया, ठीक है। और 6 अप्रैल 1919 को पूरे देश में कानून का विरोध का आह्वान किया, देश में कानून का विरोध का आह्वान इसलिए किया गया कि ये कानून जो था पूरी समूचे भारत वर्ष पर लागू किया गया, मतलब कोई भी व्यक्ति इन एनी पर्सन इंडिया में कहीं से भी अगर उसको लगता है पुलिस वालों को कि भाई अगर इनका संदेह है तो उसको गिरफ्तार किया जा सकता है, स्वदेशी आंदोलन के पश्चात राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन था, क्योंकि समूचे भारतवर्ष में फैला हुआ, मैंने आपको बताया कि ये ऐसा था नहीं कि किसी स्टेट पर लागू है किसी जिले पर लागू, है ना, जिससे कि सभी लोग प्रभावित थे। इसके साथ साथ गांधी जी के आह्वान पर पूरे देश में राजनीतिक उत्साह और सक्रियता दिखाई पड़ती है इस आंदोलन को लेकर। राजनीतिक सक्रियता का अर्थ है कि एक राष्ट्र नेता के रूप में गांधी जी स्थापित हो चुके हैं, उनकी पहचान स्थापित हो चुकी है। अब लोग गांधी जी को एक राष्ट्रीय नेता के रूप में उनकी छवि को स्थापित किया जा रहा है ना। आंदोलन के द्वारा गांधी जी ने एक संगठनात्मक कमजोरियों को महसूस भी किया, साथ ही आंदोलन के लिए तैयार राष्ट्रीय जो आसमित ऊर्जा थी उसका बेहतर तरीके से प्रयोग नहीं किया जा रहा था। शीघ्र ही गांधी जी ने इस ऊर्जा को व्यापक रूप से संगठित करने के लिए आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया, ठीक है। लेकिन इसी के संदर्भ में इसी का विरोध प्रदर्शन हो रहा था जलियांवाला बाग, क्योंकि अमृतसर में एक जगह है ना, तो वहां पर क्या बोलते जो सैफुद्दीन पिछलू और एक दो लोग और थे उनकी गिरफ्तारी की गई, है ना। तो क्या यहाँ पर जो पंजाब के गवर्नर था जनरल ओडायर उसको सूचना मिलती है कि भाई यहाँ पर इस प्रकार की गतिविधियां चल रही है, है ना। तो उसमें क्या बोलते कि होता कुछ नहीं है, सिर्फ क्या बोलते गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग में वैशाखी का मेला लगता है, ठीक है। तो वैशाखी के मेले में सब लोग इकट्ठे हुए,
इकट्ठे होने के पश्चात वहां पर क्या किया, एक ही गेट था, सिंगल गेट, जनरल ओड आया वहां पहुंचे, उन्होंने बंदूक के साथ अपने सैनिक को खड़ा किया और फायरिंग के आदेश दिए, मतलब मास लेवल पर फायरिंग दी। आज भी गोलियों के निशान दीवारों पर संरक्षित है, उनको एक म्यूजियम की तरह स्थापित कर रखा है हमारे देश में, है ना। उससे क्या हुआ कि तमाम लोग मारे गए, उस लोग तो मारे मारे गए, वहां पर एक पास में कुआ था, उसमें बस उससे बचने के लिए लोगों ने उसमें अपनी छलांग लगाई और एक के ऊपर एक कूदे, तो इससे मतलब काफी मात्रा में 300 से ऊपर लोग मारे गए थे। हालांकि इसको जनरल को डायर को सरदार्शिकत दिया गया इसके लिए ब्रिटेन ने, है ना। उसके साथ साथ एक हंटर कमीशन बनी, हंटर समिति, उसमें क्या बोलते, उसमें एक चीज देखने को मिलती है कि हंटर समिति में जो लोग थे वो जनरल को डायर को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये जो चीज हुई थी रॉयल सत्याग्रह करने वालों का, इसके विरुद्ध भारत में आक्रोश प्रकट हो गया बहुत ही ज्यादा। उसके बाद गांधी जी के नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन, मतलब मुस्लिम लीग और गांधी जी के नेतृत्व में गठबंधन होता है और खिलाफत आंदोलन का उदय होता है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, है ना। ये जो चीज थी आपको समझ में आई होगी, रॉयल सत्याग्रह क्या था, जलियांवाला बाग क्या था, है ना। संधि के आधार पर एक समिति बनी जिसमें क्या किसी को भी पकड़ा जा सकता था और जेल में डाला जा सकता था। इसके विरोध में क्या होते, जलियांवाला बाग जो विरोध कर रहे थे उस विरोध को दबाने के लिए फायरिंग की और लोग मारे गए, ठीक है। ये हमारा लेक्चर था, थैंक यू।